हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे डे 16 में ज्योग्राफी। आज से हम ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पॉलिटी का सेक्शन डे 15 के अंदर, 15 दिन के अंदर हमने सारी पॉलिटी को एक बार देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो जिन्होंने भी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो सारे वीडियोस को एक बार फिर से देखें। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट का गया है हमारा, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर आपका सारा रिवीजन हो सकता है। जो लोग एक बार फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो पर डे वो एक से दो वीडियो अगर वो देखेंगे उनका, तो उनका हफ्ते भर के अंदर पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से हम जो बातें करने वाले हैं वो ज्योग्राफी की बातें करेंगे। आज से 15 दिन तक सिर्फ ज्योग्राफी की बातें चलेंगी हमारी। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सोर्स हम क्या यूज करें, सोर्स के बारे में काफ़ी पूछा गया है। तो चलिए मैं सोर्स का थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए आप ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी है 11th 12th और 12th की, वैसे तो 6 टू 12th अगर कोई करना चाहता है जिसके बेसिक बिल्कुल हिले हुए हैं या बिल्कुल नहीं है तो वो कर सकता है, और 6 टू 12 एनसीईआरटी। लेकिन प्रेफर ये रहेगी कि आप 11th 12th की करिए तो 11th 12th इज अ मोर देन सफिशिएंट है। और साथ में जीशी लियोंग अगर आप एक बुक ले सकते हैं तो जीशी लियोंग की फिजिकल जो ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसको ले सकते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और एट द लास्ट है हम क्वेश्चन की भी वीडियो, हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो लेके आने वाले जिसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, इस वीडियो को देखिए, आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज के लेक्चर्स में निकल के आता है। तो आज हम बेसिक बात करेंगे ज्योग्राफी के, यूनिवर्स से स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक यूनिवर्स है। तो हम बेसिक बात करने वाले हैं इसके अंदर, तो अर्थ वगैरह यूनिवर्स के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यूनिवर्स जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है, अगर ये बोला जाए आप लोगों से व्हाट इज द यूनिवर्स, अगर आपसे यूनिवर्स पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, आप खुद सोचिए यूनिवर्स की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं। एक नॉर्मल चीज़ है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, कोई भी चीज़, सारी सब चीज़ों का कलेक्शन ही तो यूनिवर्स है, ठीक है। स्पेस में जितने भी चीज़ें हैं, अर्थ ले लीजिए, मून ले लीजिए, बाकी अदर प्लैनेट्स ले लीजिए, एस्टेरॉइड्स ले लीजिए, सन ले लीजिए, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, स्टार्स ले लीजिए, क्लाउड्स ले लीजिए, सारी चीज़ों का कलेक्शन क्या होता है, यूनिवर्स होता है। गैलेक्सीज हो गई, और बड़े लेवल पे जाते जाइए, ये सारी चीज़ों का कलेक्शन क्या है, यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी थी तो मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे। और आगे चलिए हम देखते हैं थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब जो मैं आपको जो थ्योरीज बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल इन थ्योरीज को याद कर लीजिए, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। मैं सिर्फ वही चीज क्रैश कोर्स के अंदर बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को जो हमारी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको एक बार जाके आप रीड कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे, उसके जो स्लाइड्स जो है इंक्लूड कर ली जाएगी, ठीक है। तो हम पहला जो हमारा हाइपोथेसिस है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसमें जो है इसके जो इम्यून जो थ्योरी है ये किसने दी है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरी दी है इम्यूनल कांत ने, ठीक है। इम्यूनल कांत ने थ्योरी दी है, इस बात को आपको याद रखना। इसके अंदर होता क्या, ये देखिए आप जिस तरीके से ये रहता है, इसके बाद ये बना, फिर इसके बाद ये बना, और फिर इसके बाद फाइनली ये बन गया 1600। तो इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में ये कहा गया है, द हाइपोथेसिस कंसीडर दैट द प्लैनेट्स जो बने हैं फॉर्म आउट ऑफ द क्लाउड और द मटेरियल एसोसिएटेड बाय द यूथ। ये याद रखना, हॉट आपको याद रखना है, HOT हॉट, यहाँ पे जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट रहेगा। अब मैं हॉट ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आने वाली है उसके अंदर कोल्ड वर्ड का यूज होगा, ठीक है। तो ये आपसे डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लाउड रहेगा वो क्लाउड कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहेगा, हॉट क्लाउड है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं क्या हमारी थ्योरी निकल के आती है। देखिए इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं कि जो क्लाउड, ये जो हॉट क्लाउड रहता है ये आपस में ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में आता है, कॉन्ट्रेस्ट होता है, और इसके बाद स्टार्ट होना शुरू होता है, ठीक है, गर्म होना शुरू होता है, ये देखिए, और घूमना शुरू होता है, राउंड राउंड रिवॉल्व होता है, ठीक है। रिवॉल्व होने के साथ धीरे धीरे इस तरीके से रिवॉल्व होते होते बीच में सन बनाएगा और बाकी प्लैनेट जो है बनती जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये थ्योरी होती है, ठीक है। आगे चलता है, जो हमारी आगे थ्योरी निकल के आती है वो है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनिशियल कंडीशन में क्या रहता है, ये कोल्ड रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी, इनिशियल कंडीशन में कैसा रहता है, ये कोल्ड रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, कोल्ड रहता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सारी चीजें ग्रेविटी वजह से राउंड करना शुरू कर देती हैं, ठीक है,
रिवॉल्विंग फोर्स की वजह से जो हमें करते हैं, ठीक है, और बीच में सन जो कुछ मिलियंस बार सन आ जाता है, धीरे धीरे फिर 100 मिलियंस बार मिलियंस ईयर्स के बाद जो है हमारे जो स्टार्स हैं और प्लैनेट जो हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, घूमना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण। देखिए ये जो थ्योरीज हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा दे सकते हैं कि आपसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए या कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो मानी गई थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा लोगों में, और जो ये नहीं मान इस थ्योरीज को नहीं माना जाता है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो इस थ्योरीज को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आगे हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, और देखिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। तो जो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब हम बिग बैंग की जो बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है। अब बिग बैंग थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा मानी गई थ्योरी है, ठीक है, इसे बहुत लोग मानते हैं और यही थ्योरी अभी तक चल रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इसको आपको बाय हार्ट याद रखना है। यहाँ पे ये किसने दिया है, एडविन हबल ने, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो एडविन हबल ने दी है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इमर्ज फ्रॉम द पॉइंट नोन एज द सिंगुलरिटी। इसमें कहा गया है एक छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट, और वो उसका मास इतना था, उसका डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, जिसके वजह से आज पूरा यूनिवर्स की जो डेंसिटी है, पूरे यूनिवर्स का जो मास है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट था। यहाँ पे थ्योरी ये कहती है कि एक सिंगुलैरिटी था, एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट था, उस पर सारा मास था, उस पर सारी हीट थी, उस पर दुनिया की सारी एनर्जी उसी के अंदर थी। फिर वो क्या होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो क्या होता है, वो फूट जाता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, स्पेस बनना स्टार्ट होता है। देखिए स्पेस पहले नहीं था, याद रखना आपने, पहले सेकंड में इस तरीके से बना, याद देखिए आज 3 सेकंड के अंदर इस तरीके से बना, 3000 ये जो दिया 3 लाख ये 3 साल 3 लाख सालों के बाद इस तरीके से बनना हुआ, और धीरे धीरे 1 बिलियन ईयर के बाद ये, और फिर ह्यूमन और ये इनका सबका एग्जिस्टेंस अभी टुडे जो वर्ड है वो आना शुरू हो गया, ठीक है, 14 बिलियन ईयर्स के बाद। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, इसी के अंदर से स्पेस ओरिजिन हुआ है, ऐसा कहते हैं, इसी को हम टाइम कहते हैं। अगर आपसे कोई टाइम की डेफिनेशन पूछता है कि टाइम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, टाइम क्या है, यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है उसे ही टाइम कहते हैं। सपोज जो लाइट जो है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल है कि सन है, सन से ये लाइट जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है, अब बाहर की तरफ जो चारों तरफ लाइट जा रही है, तो टाइम ये, इसी को हम टाइम कहेंगे, इसी को हम यूनिवर्स कहेंगे, यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड, इसके बाहर क्या है इसको किसी ने डिफाइन नहीं किया, इसने बोला ये स्पेस नहीं है, स्पेस क्या है, ये जो जहां तक ये चीजें हैं, ये चीजें क्या है, स्पेस है। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये सारी चीजें जो मैं यहां पे कलर कर रहा हूं, ये यहां पे स्पेस निकल के आता है, ये स्पेस है, ठीक है। तो यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, पूछ सकता है डाउट अपने, इसी को बिग बैंग थ्योरी कही गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। अब हमारे जो सोलर सिस्टम है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, और क्या क्या सोलर सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सन है हमारा, सेंटर पे सन है हमारा, इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड देन प्लूटो आता है। वैसे प्लूटो का हटा दिया गया है प्लैनेट की कैटेगरी से, ठीक है। तो इसके बाद क्यूपिलर जो बेल्ट आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देख सकते हैं, आपको ये जो सीरीज वाइज है ये सारे जो प्लैनेट्स के इनके नाम याद होने चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, ऐसे याद रखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ तक क्या हो गया, इनर प्लैनेट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स हो गए। जुपिटर के बाद एस्टेरॉयड जो बेल्ट हो गया, उसके बाद आउटर प्लैनेट शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। द फर्स्ट फोर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल मीनिंग अर्थ लाइक, जो पहले फोर हैं जो मैंने पहले बताया आपको, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, जो अर्थ जैसे होते हैं, रॉक से बने होते हैं, ठीक है, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। बाहर के जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, उन्हें गैस जाइंट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। जोवियन, जोवियन मतलब होता है जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जुपिटर है, जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सभी का, इन्हें जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्लैनेट के अंदर, किस प्लैनेट में रिंग पाई जाती है, तो सैटर्न प्लैनेट में रिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये देखिए सैटर्न प्लैनेट के अंदर रिंग है हमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ना पूछा जा सकता है, अंदर जो इनर प्लैनेट कहते हैं इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये जोवियन प्लैनेट है, ठीक है, ये गैस लाइक स्ट्रक्चर होता है, गैस प्लेनेट है, ठीक है। तो
तो ये जाइंट प्लैनेट है, इनको जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। अब कंपोजिशन के हिसाब से, जैसे कि हमने देखा है टेरिस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट जो होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार प्लैनेट को टेरिस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट कहते हैं। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन से निकल के आता है कि कौन से, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें पूछा जाएगा कौन से प्लैनेट इसमें से जोवियन है प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट इसमें टेरिस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर रॉकी प्लैनेट है, ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है। अब इसमें टेरिस्ट्रियल प्लैनेट की कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं अपन, ठीक है। प्राइमरी जो है रॉक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मिट्टी पत्थर इन सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, मेटल्स इनके अंदर रहता है, रिलेटिवली हाई डेंसिटी रहती है, डेंसिटी इनकी बड़ी रहती है, क्योंकि देखिए गैस की डेंसिटी कम रहती है। हम बोल रहे हैं जो हमारे आउटर प्लेनेट है वो सारे गैसियस प्लेनेट हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो हम गैस की डेंसिटी ऑब्वियसली हाई रहती है। तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगा के हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनके रोटेशन स्लो होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो आप ऐसे लगा सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो रोटेशन जो होगी इनकी स्लो होगी, ठीक है। ये सॉलिड सरफेस है, इनके पास किसी के पास रिंग नहीं होता, उनकी जो सैटेलाइट छुट्टी है बहुत ही कम सैटेलाइट होती है, कम बहुत ही, ठीक है। अब जोवियन और जो गैस प्लेनेट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार जो है हमारे जोवियन और गैस प्लेनेट कहे जाते हैं। द गैस प्लेनेट कंपोज ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, जो है हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और हीलियम से जनरली बनकर बना होता है। अब गैस से मिलकर बना है तो डेंसिटी भी लो होगी। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगा रही, पूरी साइंस दिख रही है आपको, यहाँ पे से साइंस चल रही है। अगर आपको मैं साइंस की सारी चीज़ें दो मिनट में यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, देखिए ज्योग्राफी से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एट द एंड ऑफ द 15 डे आपको ऐसा लगेगा कि यार अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर आप हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद थोड़ा सा रीड कर लेंगे, आपको बस थोड़ा सा जाके एनसीईआरटी को रीड करना है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद आपकी ज्योग्राफी 15 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यही आपके लेक्चर के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रैपिड रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, गैसियस है तो देखिए ना गैस बहुत तेज़ी से भगती है, तो ऐसा याद रखिए आपकी गैस तेज़ी से भगती है तो रोटेशन तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। डीप एटमॉस्फेयर रहता है, लॉट्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, जो बाहर जो प्लैनेट्स उनके पास सैटेलाइट बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल निकल के आता है, इसके अंदर बाय साइज हम देख रहे हैं, ठीक है, और बाय पोजिशन हम इनको डिस्क्राइब करेंगे प्लैनेट्स को। अंदर के जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं, जिसे मैं इनर प्लैनेट्स बोल रहा हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उन सबको स्मॉल प्लैनेट्स भी कहते हैं, ऑब्वियस बात है सारे छोटे रहेंगे, अर्थ मेटल और इन सब से रॉक्स वगैरह से मिलकर बने हैं। जनरली इनका जो डायमीटर होता है वो 13,000 किलोमीटर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अर्थ का डायमीटर कितना होता है, आप सर्च करिए और बताइए। थोड़ा सा काम तो आपको भी करना होगा हमारे साथ, अगर आप करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए आपको अगर सर्च करेंगे तो, अगर आप एक चीज़ सर्च करेंगे तो आपको दूसरा चीज़ का भी नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि अर्थ का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, ठीक है। जो बाहर के प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उन्हें जायंट प्लैनेट कहते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। द जायंट प्लैनेट उनकी जो रिलेटिव जो डेंसिटी होती है 48,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की अभी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम क्यूपुलर बेल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। देखिए आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है नेपच्यून के बाद जो है वो क्यूपुलर बेल्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं क्यूपुलर बेल्ट की पोजीशन क्या है, तो नेपच्यून के बाद जो है वो क्यूपुलर बेल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेच हुआ है वो आपको बताना, ये हुआ है 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये स्ट्रेच हुआ है स्पेस के अंदर। तो चलिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, इसकी आपको यूनिट डिफाइन करना है, ठीक, कितने किलोमीटर कितना कैसा क्या होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ बताना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इट कंटेन्स स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, जो छोटे छोटे जो बॉडीज होती है इसके अंदर होती है मिडली मोस्ट ऑफ आइसेस। यहाँ पे देखिए अर्थ के पास जो होगा गर्मी रहेगी, धीरे धीरे अर्थ से जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी और आइस बनना जमना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे जो है अर्थ जो है लाइट तो पहुंच नहीं पाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है आइस जैसे स्ट्रक्चर सारे मिलके बन रहे हैं। जो गैसेस होती हैं मीथेन रहता है, अमोनिया रहता है, नाइट्रोजन, वाटर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वैसे नाइट्रोजन, अमोनिया, सारी चीज़ें बहुत ही ठंडी गैसेस हैं, हमको ये सारी चीज़ें बताई, तो फ्रोजन रहती हैं, ठीक है, जमी हुई रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसे ही क्या कहा जाता है, होम टू नॉन एस द डॉफ प्लैनेट, डॉफ प्लैनेट का होम कहा जाता है, प्लूटो का होम, ठीक है। प्लूटो जो हमारा डॉफ प्लैनेट की कैटेगरी में है उसका हम होम कहते हैं। अब जो क्यूपुलर बेल्ट है उसकी जो पोजीशन है वो हम देख लेते हैं, एक्सटेंडेड रफली फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आउट ऑफ द 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन, ये 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में एक्सपेंड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 55 एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारी टोटल यूनिट है उसमें से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से लेकर है,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। ऑड क्लाउड के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ऑड क्लाउड एक्सटेंडेड सेल ऑफ आई सी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ऑड क्लाउड करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा नाम है, तो आपको थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि क्लाउड होता है एक प्रकार का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन सा एस्ट्रोनॉम के नाम पर रखा गया है, ओरिजिन कहाँ हुआ है, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स वगैरह, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, हमारा जो निकल के आता है अर्थ, और अब हम डिटेल में अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है, ठीक है। सन सेंटर में है, जैसे कि आपको पता है ये अर्थ है हमारा, देखो कितना प्यारा सा अर्थ है हमारा, बिल्कुल नीले कलर का। अभी हमें इससे पोल्यूशन से भी बताना है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना प्यारा अर्थ है ये, इन द साइज के मैटर में ये जो है पांचवा प्लेनेट है, लार्जेस्ट जो है साइज के बेसिस पर अगर आप देखें तो पांचवा प्लेनेट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अर्थ ही सिर्फ ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जिस पे लाइफ एग्जिस्ट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के पास टोटल एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, ये याद रखना है, ठीक है, इनर के अंदर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब इविडेंस ऑफ द अर्थ स्पेयर, अब अर्थ कैसा है, स्पेयर है, थोड़ा सा क्या है ऐसा दबा हुआ है, ठीक है। मैंने जैसे बनाया है परफेक्ट शेप नहीं है अर्थ का, ऐसा गोल थोड़ा सा ऐसा करके है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए ऊपर से किसी ने ऐसा दबा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, तो वो हम देखेंगे कैसे है, उसके एविडेंस देखेंगे कैसे पता किया कि अर्थ रहता है, अर्थ चौकोर है मैं बोल दूं लेकिन अर्थ चौकोर नहीं है, उसकी एविडेंस क्या है, अर्थ क्या एविडेंस है कि अर्थ ऐसा है ऐसा नहीं है, उसकी हम वो चीज़ें देखने जा रहे हैं। कि जब शिप की विजिबिलिटी होती है, मतलब शिप जब चलता है हमारा पानी में, तो हमें ऐसा दिखता है कि सपोज यहाँ पे रहा तो उसका झंडा इस तरीके से दिखेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वो इस तरीके से डूबता हुआ दिखेगा। अगर फ्लैट रहेगा तो एक टाइम बिल्कुल सीधा सीधा दिखेगा, फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा दिखना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू होता है, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा होना शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। डिस्टेंस तो ओरिजिन होता है यहाँ पे, अगर आप बैठ के देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सनराइज और सनसेट, जो हमारा सनराइज और सनसेट होता है, जैसे हमारा जो अर्थ है वो रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ये चीज़ याद रखना, सन कैसा रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो सनराइज और सनसेट होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी, सब ईस्ट से निकला सन वेस्ट पे गया, लेकिन हर दिन अलग अलग होता है, याद रखिए। ये सपोज अगर मैं बोल दूँ ये ईस्ट है, तो यहाँ से एक दिन सन निकला है तो अगले दिन हल्का से यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, देखो हो ईस्ट से ही रहा है, लेकिन ईस्ट में भी जो उसकी जो पोजिशन होगी वो बदलती आएगी, फिर एक टाइम बाद फिर ऐसे वापस लौटेगा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। इस वजह से होता है ल्यूनर इक्लिप्स, जब अर्थ की जो शेडो है मून में दिखती है हमें, तो हमें क्लियरली दिखता है कि वो राउंड दिखता है, ठीक है सर, ऐसे ऐसे गोल गोल दिखता है स्पेयर शेप में, तो उसकी जो शेडो है उससे हमने यहाँ पे अंदाजा लगा लिया कि सर जो है वो है। ड्राइविंग पोल्स हो गया, लेबल होता है ग्राउंड होता है कर्व, ठीक है। जो ड्राइविंग पोल्स होते हैं इंजीनियर जो हमारे ड्राइविंग पोल्स में लगे हुए हैं सारे देख रहे हैं हॉरिजन कि ये हॉरिजेंटल लेवल में, तो देखते हैं कि वो वहाँ से पता चला कि जो अर्थ जो है थोड़ा सा अर्थ का कर्वेचर ऐसा है, ठीक है, स्पेयर तो है पर यहाँ पे जो है इसके डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। इन्होंने ये ड्राइविंग पोल से ये चीज़ निकाली। एरियल फोटोग्राफ, जब एरियल जो हमारी जो हम जो रॉकेट सेटेलाइट भेजते हैं वो बाहर से जो फोटोग्राफ लेती है वहाँ से दिख जाता है कि अर्थ स्पेयर है, ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफ से हमने ये चीज़ पता कर ली। तो ये छोटे छोटे एविडेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। लेटिट्यूड इस तरीके से लाइन जो होती है उन्हें लेटिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड इस तरीके से जो लाइन होती है। देखिए आपको याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, लेटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसा याद रख लीजिए आप, ठीक है, ये लेटा हुआ है ऐसा समझ लीजिए, ऐसे लेटते हैं तो ये लेटता हुआ, तो ये सभी को लेटिट्यूड कहेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लंबा लंबे यहाँ पे सारे लंबे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लेटिट्यूड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर रहेगा। आगे हम देखते हैं लेटिट्यूड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो ये क्या है, टोटली इमेजनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ के अंदर ये बनी हुई है या हमें दिख रही है, हमने बनाई है लाइनें, ठीक है, हमने इमेजनरी लाइनें ये बनाई हैं। क्यों बनाई है, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, हमें इस अर्थ की स्टडी करने के लिए कि हम अच्छे से अर्थ की स्टडी कर पाएँ, सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इसलिए चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार की हैं, ठीक है। अब इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन, आपको याद रखना है, यहाँ पर इक्वेटर कहाँ पर है ये, ठीक है, इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मिडिल ऑफ द अर्थ है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है।
ऊपर वाले पार्ट्स को हम नॉर्थन पार्ट्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को साउथन पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत बताया वो, ठीक है। अर्थ इज द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, आप जैसे मैंने बोला था ऊपर से, सपोज किसी ने यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्रेशर दबा दिया, आप ऐसे याद रखिए दोनों तरफ से। तो क्या होता है जब ऊपर दोनों तरफ से किसी चीज़ में, तो ऐसा थोड़ा सा ये जो है ये वाली जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाती है, तो अर्थ जो है इक्वेटर में थोड़ी सी क्या है एक्सटेंड है, ज़्यादा है, ठीक है। सर्कमफेरेंस जो डिस्टेंस अराउंड द अर्थ और द इक्वेटर में कितना है, 40,075 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजनरी लाइन, हम जैसे बात ही कर रहे थे कि जो एक्सिस ऑफ अर्थ है सारी चीजें क्या है इमेजनरी लाइन है, ठीक है। दैट अब सॉरी जो ये यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा एक्सिस है हमारा, सेंट्रल से पास हो रहा है, ठीक है। अब जो एक्सिस से एंगल 63 डिग्री एंड द ऑर्बिटल प्लेन हमारी जी बता, ये चलिए आपको क्वेश्चन है कि अर्थ जो है झुकी हुई है थोड़ा सा, वो कितनी झुकी हुई है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 20 नहीं, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 23 डिग्री एंड हाफ है वैसे तो, 37.5 डिग्री झुकी हुई है तो, लेकिन चलिए ठीक है आगे हम चलते हैं, मैंने बता ही दिया आपको, दिक्कत ही नहीं है, पर आप लोग सर्च करते रहिएगा सारी चीज़ें, आप लोगों को सर्च करना, ठीक है। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है इमेजनरी लाइन होता है, यू टू डिमाइन द लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और अब हम देखते हैं इसी के बारे में कि अर्थ जो है हमारी स्लाइटली जो है फ्लैटेंड है, जो हमने अभी हमने जो बताया है लीनियर डिस्टेंस डिग्री जो थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ी है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से यहाँ पे इस फोटो में दिखा दिया है। अब इसके डिफरेंट जोन होते हैं, ठीक है। अब जो ये जो मैं आपको एंगल सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है, ठीक है। आपको तो क्या रख करना है, आपको ये जितने भी डिग्रीज हैं, सॉरी ये सारी डिग्रीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री है ना मेरे साथ, यहाँ पे तुरंत याद करना है। नॉर्थ पोल अगर आपसे पूछते हैं तो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद साउथ पोल कितना है, 90 डिग्री साउथ है, देखिए ऊपर होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल ये हो गया साउथ पोल, ये याद रखना है, ठीक है। और ये ठीक हो गया। अब ये जो चार है, ये चारों को आपको बाय हार्ट अब भी याद करना है, लेक्चर ख़त्म होने से पहले पहले ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यहीं रोक के आपको लेक्चर को यहीं पे पॉज कर लीजिए तुरंत, और फिर याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे बाद के लिए छोड़ देंगे तो चीज़ें आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि तुरंत के तुरंत आप ये सारी चीज़ें याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है हमारा 23 डिग्री एंड हाफ है नॉर्थ में, जो 23 डिग्री एंड हाफ जो होता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आगे लेक्चर जब लूँगा तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको अब भी बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने कंट्रीज से पास होता है, उन कंट्रीज़ के नाम बताना है, इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट से पास होता है, और वो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टेट्स जिनसे ये पास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 23 डिग्री एंड हाफ होता है, और साउथ पोल में होता है, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये देख लीजिए, और ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। और इसके बाद हमारा आता है आर्कटिक सर्किल, जो ऊपर जो हमारा होता है ये देखिए आर्कटिक सर्किल होता है 66 डिग्री एंड हाफ जो होता है हमारा नॉर्थ पोल में जो होता है उसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और नीचे जैसे हम जानते हैं अंटार्कटिक होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, पहला हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना है हमारा 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ठीक है ना, याद रखना है साउथ पोल में, ठीक है। आर्कटिक सर्किल कितना है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पोल में, एंटार्कटिक कितना होता है एंटार्कटिक होता है 66 डिग्री एंड हाफ साउथ पोल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें इसलिए ज़्यादा हमने वो किया है टाइम दिया जिससे ये आपको याद रहे तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं लेटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब हम लेटिट्यूडनल हीट जोन की बात करेंगे, क्या है लेटिट्यूडनल हीट जोन, कैसे हमारे इफेक्ट करता है, और इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर जो हमारा आर्कटिक सर्किल जो हमारा है, आर्कटिक सर्किल जो हमारा उसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं, नीचे अंटार्कटिक सर्किल जो है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्कैंडर में जो आता है उसे
फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है, दोनों को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। उसके बीच में जो है टेम्परेट जोन हो गया, ये देखिए टेम्परेट जोन यहाँ पे, ये देखिए ये टेम्परेट जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो है इक्वेटर, जिस चीज़ को डिवाइड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हो गया उसे टोरॉइड जोन कहते हैं। तो ये आपको नाम अभी याद करना है, मैंने बोल रहा हूँ ना अभी पॉज करिए, तुरंत याद करिए आपको यह नाम यहाँ पे कितना याद करना है, अभी याद करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए टोरॉइड जोन, अब जैसे एक चीज़ बताइए, मैंने शायद 23 डिग्री एंड हाफ बोला था, वैसे अर्थ जो है कितने डिग्री झुकी हुई है ये आपको बताना है, तो वो है 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 66 डिग्री एंड हाफ मिनट, इतनी अर्थ जो है झुकी हुई है, ठीक है, अपने एक्सिस से। ये उनका अर्थ का एक्सिस होता है, अर्थ के एक्सिस से अर्थ जो है 66 डिग्री एंड हाफ झुकी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। वैसे आप 23 डिग्री एंड हाफ भी बोल सकते हैं और 66 डिग्री एंड हाफ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। अब दोनों चीज़ क्यों बोल सकते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो मैं अगले, अगर आपको चाहिए तो मैं अगले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, साउथ से कितना है और नॉर्थ से कितना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, अगर ये झुकी है साउथ से कितना है और नॉर्थ से कितना है, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लिए, सारी चीज़ें देख ली हैं, फ्रिजिड टॉयलेट जोन की बात कर ली हमने, फ्रिजिड जोन की बात कर ली, टेम्परेट जोन की बात कर ली है। अर्थ की, अर्थ पे जो है सबसे ज़्यादा जो सनलाइट आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है, किस जगह पे पड़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए आप क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारी अर्थ की जो है सबसे ज़्यादा लाइट इस रीजन में पड़ती है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ के झुकाव के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड जोन कहते हैं। आगे चलते हैं हम, ये देखिए हमारा लॉन्गिट्यूड, हमने बताया था ना ऐसे सीधे सीधे जो है लंबा लंबा खड़ा हुआ वो लॉन्गिट्यूड है। एंगल ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द रेफरेंस, तो ईस्ट ऑफ वेस्ट से हम रेफरेंस लेते हैं उन्हें, हम ये ज्योग्राफिकल पोल के रेफरेंस लेने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और लेकिन जो ये जो है हमारे टाइम को, जो हमारा जो टाइम होता है ना हम देखते हैं घड़ी में, और आप देखते होंगे टाइम जोन आपसे बोला जाता होगा कि इंडिया का टाइम जोन ये है, वहाँ का टाइम जोन यह है, ऐसा आप सुनते होंगे कि इंडिया में इतने बजे हैं आज, तो सोचिए अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, वहाँ कितना, चाइना में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है, ब्राज़ील या यूके या लंदन, ये कहाँ, इन जगह कितना टाइम हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी लॉन्गिट्यूड से ही डिफाइन होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं GMT के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जो जो हम बात कर रहे थे, पीछे आते हैं थोड़ा सा, लॉन्गिट्यूड और टाइम की बात कर रहे थे सर जी, ये हमारा अर्थ है, हमने अर्थ को क्या किया, टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, देखिए राउंड अगर आप लेंगे तो कितना एंगल होता है 360, अगर हम ऐसे लेते हैं यहाँ से कोई चीज़ चल के यहाँ आती है वापस, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये होती है टोटल 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, अर्थ को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से, लंबी लंबी लाइन खींच खींच के, लॉन्गिट्यूड खींच खींच के, ठीक है। तो 360 डिफरेंट हो गए, तो एक जो डिग्री होती है जैसे 15 इट पासिस टू द 15 इन वन आवर और 1 degree in 4 minutes, जो एक डिग्री जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 4 मिनट का होता है, ये चीज़ आपको याद रखें, 1 degree मतलब 4 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे अभी हम अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे तो 15 डिग्री में टोटल जो होता है 1 घंटे हो जाता है, ठीक है। अब IDL मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, आप देखिए यहाँ पे ये जो है इसे हम GMT कहते हैं, ग्रीन बीच मेरी टाइम, ठीक है। तो GMT इसे हम कहते हैं, ये कहाँ से पास होता है, ग्रीन बीच से पास होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हमारे टाइम को, इसके आगे जो है डिग्री बढ़ती जाएगी, ठीक है। 0 degree हो गई, फिर 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, 6 degree, इस तरीके से टोटल राउंड अप करते करते वापस जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 360 degree होगी, ठीक है। तो यहीं से टाइम, सपोज यहाँ पे कितना है 12 बजे हैं, तो 1 degree में कितने बजे होंगे, 2 degree में कितने बजे होंगे, 3 degree में कितने बजे होंगे, इस तरीके से जो जैसे पर डिग्री जो 1 degree अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम 4 मिनट ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो 15 डिग्री अगर हम बढ़ रहे हैं, अगर हम बोलते 1 घंटे में कितना होगा, तो 15 दुनी तो 15 डिग्री का जो हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है, ईस्ट तरफ जाने का हो रहा है, ठीक है। अब सर्कल हम इल्यूमिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है यहाँ पे आप फोटो देख के आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, हालांकि नाम से समझ में आ रहा है, इल्यूमिनेट जहाँ तक हो रही अर्थ उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, मतलब
जितने एरिए में अर्थ अर्थ में जितने एरिए में लाइट पड़ रही है अर्थ की, वो सन की, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अर्थ गोज राउंड द सन इज इन द एलिप्टिकल एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ के जैसे बात करते हैं हम, तो जो इंटीरियर जो अर्थ होता है हमारा, बहुत ही एक्सोजेनिक लैंड फॉर्म होता है, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम अर्थ रह रहे हैं तो क्यूरियोसिटी जगती है, अगर क्या है अर्थ के नीचे, क्या है हमारा, कैसे हमारा लैंड फॉर्म बना हुआ है, कैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें जानने का मौका मिलता है। तो हम देखते हैं किस किस चीज़ से, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ की जो इन्फॉर्मेशन है हमने कैसे निकाली, हमने उसका डायमीटर कैसे निकाला, हमने कैसे निकाला कि इसके अंदर कितने लेयर है, हमने कैसे निकाला कि अंदर कोर है, हमने कैसे निकाला कि अंदर क्रस्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो सोर्स जो है, किस किस सोर्स से हमें सारी चीज़ें पता चली, तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सपोज जो आपने देखा होगा मैग्मा वगैरह, ठीक है, लावा और मैग्मा, तो जब फूटता है निकल के आता है तो वहाँ से चीज़ें, वहाँ से जो अंडर का मटेरियल बाहर आता है, तो उसकी स्टडी कर करके, जो लावा के जो फूटता है उसकी स्टडी कर करके हम पता कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें जो हो गई क्या है, डायरेक्ट सोर्सेस हो गए, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हो गए, इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर पहला जो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, हमारी चीज़ हमको याद रखनी है बाय हार्ट, ठीक है। सेस्मिक एक्टिविटी मतलब जो वेव्स जो जाते हैं, वेव्स जो है बहुत बड़ी, बहुत बड़े लेवल पे इनडायरेक्ट सोर्स है, जिससे हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्लियर रखनी है। आगे हम चलते हैं सिस्योमोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे, कि जो यहाँ पे जो सेंटर है, एपी सेंटर कहा गया, एपी सेंटर मतलब जहाँ पे, ऐसा समझ लीजिए जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अर्थक्वेक वगैरह क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेस है, इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है ना। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में क्या होता है, वेव्स निकलती हैं, आप लोगों को पता ही है, सारी चीज़ें वेव्स निकलती हैं। अब इसमें दो तरीके के वेव होती है, एक एस वेव होती है, एक पी वेव होती है, ठीक है। एफ मतलब और पी मतलब सेकेंडरी वेव, और ये प्राइमरी वेव हो गई, ये प्राइमरी वेव हो गई, सेकेंडरी वेव हो गई, इनकी स्टडी अभी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है सिस्मोलॉजी के एविडेंस है, हम बहुत ही ज़्यादा वेव को एक तो क्लासिफाइड, ये देखिए एपी सेंटर से सपोज यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है तो वेव्स यहाँ से निकलेगी और इस तरीके से जा रही है। तो कुछ वेव आप देख रहे हैं इनर कोर और आउटर कोर से नहीं जा रही है, ऊपर ऊपर से जा रही है, और कुछ वेव इनके थ्रू चल के हुए जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो एंगल है वो डाइवर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या है, तो सरफेस वेव, दो पहले ही हमने बात करी है कि जो वेव्स होती हैं, सबसे पहले तो वेव्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, हम दो प्रकार की होती है, एक होती है सरफेस वेव और एक होती है बॉडी वेव, ठीक है, ठीक है। एक होती है सरफेस वेव और एक होती है बॉडी वेव, ठीक है, क्लियर रखना आपको। सरफेस वेव के अंदर जो टाइप्स ऑफ सरफेस वेव पूछे, तो लव वेव जो होते हैं, एल वेव्स, रेलीज वेव्स, इस छोटी छोटी एक दो तो वेव और होती हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सरफेस वेव नॉर्मली चलती हैं जिन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेव होती हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड साइड टू साइड चलती हैं, हमें दिखता है इस क्रस्ट से, सपोज ये अर्थ है, यहाँ चलते हुए यहाँ पे निकल रही हैं, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, सरफेस वेव या बॉडी वेव, तो आप कह सकते हैं सरफेस वेव ज़्यादा रिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, और बॉडी वेव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉडी वेव जो हमारा है, अब बॉडी वेव की बात करते हैं, तो बॉडी वेव के अंदर दो प्रकार की वेव होती हैं, पी वेव और एस वेव, यही दोनों वेव आपको याद रखनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, सोर्स को पता करने के लिए, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब प्राइमरी वेव की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे निकल के आता है, यही इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन किया है इस वेव ने, ठीक है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है और कंप्रेसिव इन नेचर होती है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीधे सीधे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेस होते हुए चलती है, ठीक है। दे वेव कैन पास थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड मीडियम, ये सॉलिड से भी पास होंगी और लिक्विड से भी पास होंगी, यहाँ से मतलब ये समझ में आया ना कि ये सॉलिड से भी पास हो रही है और लिक्विड से भी पास हो रही है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, आपको लिखने के लिए आ सकता है कि एस वेव की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको ये बोलना है कि आप सॉलिड लिक्विड दोनों से पास हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेंसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मीडियम, इनकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो जाती है अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है, मतलब सॉलिड में इनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लिक्विड में इनकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब यही वही चीज हमने बात की थी, सॉलिड में ज्यादा तेज चलती हैं,
लिक्विड की अपेक्षा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब हम सेकेंडरी वेव की बात करेंगे। सेकेंडरी वेव को एस वेव कहा जाता है। दीज वेव आर ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शन इन नेचर। डिस्टॉर्शन इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है इस वेव का, ठीक है। द वेव कैन नॉट पास टू लिक्विड। ये लिक्विड जहाँ पे भी आया वहीं रुक जाते हैं, लिक्विड से पास नहीं होती। ये चीज़ आपको बाय हार्ट याद रखनी है, क्योंकि यही चीज़ है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं इस अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज रिजिडिटी, हाँ ये रिजिडिटी इंक्रीज होती है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं क्या निकल के आता है। नेचर ऑफ बॉडी वेव, जैसे हमने देखा पी और एस फास्टर दीजिए, बहुत पी और वेट बहुत ही तेज चलती हैं, वेव फास्टर होती हैं, ठीक है। अमोंग पी और बी एस के बीच में अगर हम बात करते हैं तो पी वेव इज़ मोर फास्टर होती है, ठीक है ना। पी पी वेव जो है ज़्यादा तेज चलती है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो और ये जो है रिफ्रैक्शन, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं तो बेंडिंग हो जाएंगी। जैसे अभी ने एग्जाम वहाँ पे भी देखा कि थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इतनी सारी चीज़ें ना पढ़िए, ठीक है। आपको मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इसी के अंदर समझा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम पी और वेव की ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान समझना, ठीक है। ये हो गया हमारा सैडो जोन, मतलब यहाँ से एक ऐसा समझ लीजिए यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, पी वेव का। अब ये हमारा कोर हो गया। हमने पता कैसे किया कि ये कोर है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो पी वेव चलेगी वो कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए पी वेव चल रही है, सपोज इस तरीके से यहाँ से निकल के आई, ठीक है। ये हमारी सारी क्या हो गई, पी वेव चली। अब पी वेव हमने बताया था लिक्विड से भी चल सकती है, ठीक। तो ये कोर से भी ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए ये पहुँची, थोड़ा सा डाइवर्ट हुई ये पहुँची, थोड़ा सा डाइवर्ट हुई ये पहुँची, थोड़ा सा डाइवर्ट हुई ये पहुँची, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये जो डिग्री है और ये जो डिग्री आपको याद रखना है, ये कितना है 105 डिग्री और ये कितना है 105 डिग्री। ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है अंदर, वही चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ पे 105 डिग्री, यहाँ पे 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये जो एरिया है और यहाँ से फिर आ गई वेव, मतलब हमने हमें देखने को कहाँ कहाँ वेव मिली, इस एरिया में ऊपर वाले एरिया में वेव देखने को मिल रही है, इस वाले एरिया में वेव देखने को मिल रही है और इस वाले एरिया में वेव देखने को मिल रही है, हमें पी वेव रिसीव हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ये वाला एरिया है हमारा, इस एरिया में जो जहाँ मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इस एरिया में हमें कोई भी वेव नहीं देखने को मिली है, कोई भी पी वेव हमें इस एरिया में नहीं मिलती है, ठीक है। कहाँ से ये जो डिग्री, मैं डिग्री आपको बता देता हूँ, 145 डिग्री है, ठीक है। ये जो दोनों टिक किया मैंने, 145 डिग्री यहाँ, 145 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो पी वेव इसी को हम कहते हैं सैडो रीजन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रखनी है कि इसे हम क्या कहते हैं, सैडो रीजन। ये देखो पी वेव सैडो रीजन जो बात कर रही है, 140 से 140 कहीं दिया है, किसी बुक में 145 दिया है, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे 140 या 145 डिग्री, थोड़ा थोड़ा सा डेविएशन है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि पी वेव का जो है लिक्विड से भी चल सकती है। तो यहाँ से हमने निकाला लिक्विड से चल रही, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है और ये जो है हमारा सैडो रीजन है। तो क्वेश्चन जो राइज हो सकता है वो ये राइज होगा कि जो पी वेव है वो किस डिग्री में हमारे नहीं पाई जाती है, ठीक है। कितने डिग्री में जो है सैडो, कितने डिग्री सैडो रीजन है, वो सैडो रीजन कौन सा है पी वेव का, 140 से 105 डिग्री, 105 से 140 डिग्री जो होती है सैडो रीजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एस वेव के बारे में। हमने यहाँ पे ये हमारा अर्थ बना दिया, ठीक है, ये हमारा हमने कोर बना दिया, ठीक है, ये कोर हो गया, ये अर्थ हो गया। अब ये यहाँ से ओरिजिन हो रहा है एस वेव, ठीक है। अब ये यहाँ से चलेगी, ये चला, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये यहाँ था, वो ये जो हमने बात करी थी 105 डिग्री, हमने बताया था आपको पहले, यहाँ पे 105 डिग्री। अब ये जो वेव होती है वो लिक्विड से पास नहीं होती है, मतलब कोर से ये पास बिल्कुल नहीं होगी, कोर से पास नहीं होगी, तो इसका जो सैडो रीजन होगा 105 डिग्री टू 105 डिग्री होगा। मतलब ये जो सारा निकल के आता है ये क्या है, पी वेव का
शैडो रीजन है, तो ये चीज आपको, या सॉरी एस वेव का शैडो रीजन है यहाँ पे, ये क्या है, एस वेव का शैडो रीजन है। एस शैडो रीजन क्या है, 105 to 105 नीचे की तरफ जो है ये शैडो रीजन होता है। तो इसी से हम ये जो ये हमारे क्या है एविडेंसेस है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल रखनी है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को बताइए, अगले नेक्स्ट सेक्शन में सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम इंटीरियर ऑफर्स की, जो हम बात कर रहे थे, जो हमारे इंटीरियर ऑफर निकल के आया, जो बाहर जो है हमारा क्रस्ट है, बीच में हमारा मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। अब कोर के अंदर भी जो है इसी को हम इनर कोर कहते हैं, रेड कलर का ये देखो आपको बिल्कुल आग यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। इनर कोर जो है सॉलिड बताया जा रहा है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है, ये याद रखना, ठीक है। आउटर कोर क्या है, हमारा लिक्विड है, इनर कोर हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और अर्थ का जो इंटीरियर है, थ्री लेयर में हमने जैसे डिवाइड कर ही दिया है क्रस्ट के बारे में, तो चलिए हम क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 16 to 40 किलोमीटर जो हमारा अर्थ होता है, डेप्थ जो होता है, जैसे अगर हम 16 to 40 किलोमीटर अंदर नीचे जाएंगे, अर्थ ये हमारा अर्थ है, तो वो क्या होगा, क्रस्ट मिलेगा, ठीक है। थिकर कॉन्टिनेंट्स होता है, कहीं कहीं ज़्यादा जो थिकर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिनेंट्स की भी बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 30 से 40 किलोमीटर जो हमारा होता है कहीं कहीं में देखने को मिल जाता है, और जहाँ ओशंस वगैरह होता है वहाँ पे 5 to 10 किलोमीटर वेरी करता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन इसका बहुत ज़्यादा है, 30 to 40 किलोमीटर यहाँ पे और 5 to 10 किलोमीटर ओशंस के अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में डेप्थ जो होता है 16 to 40 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जैसे हम जाते हैं, ये अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सेडिमेंट्री रोड्स, इसके प्राइमरी जो होते हैं सेडिमेंट्री रोड्स मिलती हैं, ठीक है, ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें, थोड़ी छोटी चीज़ें, बेसाल्टिक रॉक्स वगैरह ये मिलती हैं। तो आपको याद रखना, रॉक्स आपसे पूछी जा सकती है कौन सी रॉक्स मिलती है, कैसा क्या रहता है, तो आप नॉर्मल चीज़ें बेसाल्टिक रॉक वगैरह ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे क्रस्ट हमने देख लिया, अब मेंटल देखते हैं। तो ये सेकंड होता है, ठीक है। अब मेंटल भी हो गया, अपर मेंटल होगा, फिर इनर मेंटल होता है, ठीक है, आउटर मेंटल, इस तरीके से आप बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट लेयर, ये जो होता है इंटरमीडिएट फ्रॉम 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर डेप्थ में ये मिलना स्टार्ट हो जाती है, एक्सटेंड होती है 2900 किलोमीटर तक ये मिलती है, ठीक है। ये डेंस रहती है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहती है, प्रीडोमिनेंस मटेरियल लाइक ये, इसके अंदर जो मैग्नीशियम और आयरन हो गया ये पाया जाता है, ठीक है, Mg और Fe ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। हम कोर की बात करते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसा क्या होता है। तो देखिए, कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा इनर कोर, एक है हमारा आउटर कोर। तो सबसे पहले हम आउटर कोर की बात करते हैं। आउटर कोर क्या है, 29,000 किलोमीटर से 5,100 किलोमीटर तक मिलता है डेप्थ फ्रॉम द सी, ठीक है। सी से हमने ये चीज डेप्थ को नापा है, ठीक है। दिस इज प्राइमली मेड ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन मिलता है प्रोपोर्शनल टू निकल, ठीक है। तो निकल मिलता है और आयरन, NiFe, ठीक है। ऐसा कहते हैं नाइफ, नाइफ से आप याद रखिए, नाइफ यहाँ पे आपको मिलेगा, नाइफ मतलब निकल और आयरन, तो NiFe निफ ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होता है। अब ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है, आउटर कोर जो होता है हमारा लिक्विड होता है, यह चीज़ याद रखना है। इसीलिए द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिक्रीज हो जाती है, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं, पी वेव की जो वेलोसिटी होती है लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। तो P मतलब प्राइमरी वेव, पहली वेव है इसलिए उसकी डिग्री हो जाती है, सेकेंडरी में तो गायब भी हो जाएगी, ठीक है। एस वेव जो होती है सडनली डिसअपियर हो जाती है, और पी वेव जो होती है डिक्रीज जाती है। सच एज हाई प्रेशर जो हो गया, आउटर कोर इज इन द लिक्विड फॉर्म, जो आउटर कोर होता है वहाँ लिक्विड फॉर्म होती है, हमने बात कर चुकी है, ठीक है। अब देखिए, इनर कोर जो होता है 5100 किलोमीटर डेप्थ से पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, एवरेज डेंसिटी इंक्रीज जाती है 13 तक, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा मतलब ये ऐसा कह सकते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर भी आयरन और निकल पाया जाता है, मतलब Fe Ni Fe ऐसे याद रखिए, तो निकल आयरन, ठीक है, नाइफ ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, कैसा क्या है कंपोजिशन वगैरह, क्या क्या पाया जाता है। अब हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार बताइए आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो किस किस के बीच की डिसकंटिन्यूटी है, कौन से डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ की डिसकंटिन्यूटी है, ये चीज़ें आपसे थोड़ा सा पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दो जो हमारे जो जैसा आउटर और इनर जो क्रस्ट होता है उनके बीच में जो होता है वो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है।
आउटर और इनर क्रस्ट, याद रखिएगा आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में होता है। ओशनिक रीजन में ये फाउंड नहीं होता, क्योंकि ओशनिक रीजन में बहुत ही पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए ओशनिक रीजन में ये फाउंड मिलता नहीं है। तो ये चीज़ आपको जहाँ तक नहीं है, ठीक है। और मोहरोविक विसिक डिसकंटिन्यूटी जो होगी, मोहोवर्ड्स, ऐसा मोहो भी आप इसको बोल सकते हैं, एक तरीके की बाउंड्री होती है बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। सपोज यहाँ पे क्रस्ट है, ऐसा अर्थ का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ ये मेंटल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एक पतली सी लाइन होगी, एक समझ लीजिए पतली सी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पतली थोड़ा मोटी रहती है, तो पतली सी जो लाइन होगी उसे हम कंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी ये क्वेश्चन में पूछी भी जा चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी कैसे कहते हैं, अपर और लोअर मेंटल, देखिए ये मेंटल मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी। तुरंत यहीं पर याद करना है, बाद में आप बिल्कुल भूल जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्ड्राइट डिसकंटिन्यूटी किसके है, आउटर और इनर क्रस्ट है, हम बाहर चल रहे हैं, बाहर जाते हैं, पहले को, ठीक है, फिर मो, कोमोरी, कोमोरी ऐसे आ रहा है, कोमोरी, तो को हो गया कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी आउटर और इनर क्रस्ट के लिए। फिर क्रस्ट की बात क्या होता है, मेंटल आता है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी, किसके किसके बीच में होती है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम जो बात करते हैं वो क्या है, देखिए गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, मेंटल और कोर को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग अलग करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कहाँ मिलती है, कैसा क्या होता है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है, ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यूपीएससी में तो हालांकि ये ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता है, पर जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं वहाँ ये पूछ लिया जाता है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, आउटर और इनर कोर के बीच में, तो बस आपको नॉर्मल आप अगर इसका नाम भी याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो आप लॉजिक सेंस लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो आउटर और इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है वो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। चलिए कमेंट सेक्शन में आपको सारी डिसकंटिन्यूटी और किस किस के बीच में है उस सारी चीज़ें लिखना है। देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपका काम है लिखना, ठीक है। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी, फिर देखिए अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसको शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। और बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आप लिखेंगे तो आपको वो चीज़ बिल्कुल कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट करिए, जितने क्वेश्चन मैंने आज पूरे लेक्चर के अंदर पूछे हैं सारे क्वेश्चन आप उसको लिखिए, दो बार तीन बार कमेंट इसको लेक्चर को देखिए, आप समझिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी टॉपिक आपको, ये चीज़ टॉपिक नहीं बन रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी में, अभी ज्योग्राफिक सीरीज चल रही है तो आप ज्योग्राफी का टॉपिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा मेरा वीक सेक्शन है आपको पढ़ना है, तो वो भी चीज़ अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। देखिए ये इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। हमने पूरा सिलेबस अभी 15 दिन का पूरा तैयार कर लिया है, जिसके 15 डेज़ के अंदर आपका फुल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी इस बीच में हम मैप की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे वर्ल्ड के जो मैप हैं वो पढ़ाया जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में मैप रहे हैं वो उसके ऊपर पूरी सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।